इसमें दिक्कत होगा तो सब मरेगा। हटाइए सारे दुकान को, इधर से दुकान लगाने का जगह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस के ही दिन तमाम शिक्षकों ने पटना के गद्दनीबाग धरना स्थल पर वो लोग पहुंचे और उनकी जो धरना है वो लगातार अभी तक जारी है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो पटना सदर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने जहाँ पे उनका एक जो वीडियो हमारे पास आया है जिसमें वो ये साफ कहते हुए नजर आ रही है कि हटाओ इन लोगों को, नहीं तो इन लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। दुकान लगा लिया जी, काहे दुकान वाले को सबको भगाओ नहीं, इसमें दिक्कत होगा तो सब मरेगा। हटाइए सारे दुकान को, इधर से दुकान लगाने का जगह है। दुकान लगा लिया जी, काहे दुकान वाले को सबको भगाओ नहीं, इसमें दिक्कत होगा तो सब मरेगा। हटाइए सारे दुकान को, इधर से दुकान लगाने का जगह है। अब बोल दो कि इधर दूर दूर तक दिखेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। हेलो, ओए चल भाग। तो सुना आपने कि किस तरह से पटना की सदर एसडीओ जो है कहीं ना कहीं वो अपने पोस्ट का गलत उपयोग करती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से तमाम शिक्षक जो है वो हड़ताल आपको आंदोलन पर पहुंचे हुए हैं और जब धरना स्थल को बंद कर दिया गया है तो तमाम शिक्षक जो है वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर वो लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी धरना स्थल खाली नहीं हुआ है, वहीं पुलिस और शिक्षकों के बीच लाठीचार्ज भी हो चुकी है, लाठीचार्ज भी हुई है। आपको बता दें कि माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है लेकिन आंदोलन लगातार अभी भी जारी है। देखना यह है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक जो है अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, वो भी समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के, क्या आज के इस आंदोलन के बाद भी सरकार के तरफ से कोई नरमी कोई पेश आती है या नहीं, सरकार की तरफ से कोई खबर इनके पक्ष में उभर कर आती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि आंदोलन जो है वो अभी भी लगातार जारी है। न्यूज 11 की तमाम टीम जो है वो इस खबर पर बनी हुई है और ऐसे ही तमाम खबरें सुरबर होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।